नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने के केंद्र के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने 15 फरवरी की मध्य रात्रि से फास्टैग को अनिवार्य बना दिया है। जिस वाहन में फास्टैग नहीं होगा उसे देश भर के इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना भुगतान करना होगा। चीफ जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस SA बोबना और जस्टिस V रामसुब्रमण्यन की 3 सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता से वे दिल्ली हाईकोर्ट जाने की बात कहकर याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश होने वाले वकील ने पीठ से आग्रह किया कि वह दिल्ली हाईकोर्ट में जाने की छूट के साथ इस याचिका को वापस ले रहा है। वकील के अनुरोध को मंजूर कर लिया गया। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के वकील ध्रुव टमटा के इस तर्क को स्वीकार नहीं करता है। ये पूरे देश का मामला है। शीर्ष अदालत राजेश कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फास्टैग को अनिवार्य करने की केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।